दुनिया में ऐसे कई सारे वॉल्केनोज हैं जो हर कुछ दिनों में या फिर कुछ मिनटों में फटते हैं और इसे एक्टिव वॉल्केनोज कहा जाता है। और कुछ वॉल्केनोज तो इतने खतरनाक होते हैं जो लाखों लोगों की जानें भी ले सकती हैं, जैसे कि यूएसए की येलोस्टोन वॉल्केनो। ऐसे ही वॉल्केनोज इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में टोटल अभी तक 7 वॉल्केनोज है, लेकिन उन 7 वॉल्केनोज में से 6 वॉल्केनोज डोरमैन वॉल्केनोज है, यानी कि अभी तक नहीं फटे हैं। लेकिन एक ऐसा वॉल्केनो है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है और रेगुलरली फटती रहती है, और उसका नाम है अंडमान निकोबार की बैरन आइलैंड्स। बैरन आइलैंड्स साउथ ईस्ट एशिया की इकलौती एक्टिव वॉल्केनो है और ये अंडमान निकोबार से 138 किलोमीटर की दूरी में है, और इसकी एरिया लगभग 8.5 किलोमीटर स्क्वायर है। अंडमान में इसके अलावा 2 और वॉल्केनो है, नारकोदाम आइलैंड और बरातंग वॉल्केनो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों डोरमेंट वॉल्केनोज हैं, यानी कि अभी तक फटी नहीं है। बैरन आइलैंड्स के वॉल्केनो को सबसे पहले ब्लास्ट होते हुए देखा गया था 1787 में, और तब से ये 10 बार फट चुकी है। आखिरी बार 2017 में फटी थी, और 2020 में भी थोड़ी सी लावा और ऐश देखने को मिला था। हालांकि इंसान यहाँ नहीं रहते और रह भी नहीं सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने पाया है कि कुछ प्रकार के प्रजातियां यहाँ जरूर रहते हैं, जैसे कि जंगली बकरियां, बर्ड्स, बैट्स और चूहे। जी हाँ, इन कुछ प्रजातियों को माना जाता है कि ये बुरे से बुरे कंडीशन में भी ये रह सकते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ जिंदा रह पा रहे हैं। लेकिन आइलैंड्स के थोड़ी ही दूर ही एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पे लोग और दूर दूर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जैसे कि वहाँ पे आसपास में कोरल रीफ्स है और स्कूबा डाइविंग के लिए भी वो एरिया फेमस माना जाता है। तो ये सब सुन के तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आखिर ये वॉल्केनोज जो होती है ये आखिर ब्लास्ट कैसे होती है और क्यों होती है। तो धरती के बहुत नीचे जो पत्थर होते हैं वो गर्मी की वजह से पिघल जाती है और उसे हम मैग्मा कहते हैं। अब क्योंकि ये मैग्मा पत्थर से हल्की होती है तो वो ऊपर चली जाती है, और गर्मी के प्रेशर की वजह से वो धरती को फाड़ के निकल जाती है, और उस मैग्मा को हम लावा बोलते हैं। सभी वॉल्केनोज खतरनाक नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि मैग्मा की कंपोजिशन यानी कि उसके मिलावट पर। जी हाँ, अगर मैग्मा हल्की और थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की हो तो उसके अंदर की गर्मी की वजह से जो स्टीम होती है अच्छे से निकल जाती है, और ज्यादा जोर से वॉल्केनो नहीं फटती और वो डेंजरस नहीं होता। फटती है आराम से, पहाड़ों के नीचे चली जाती है और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन अगर उसका उल्टा हुआ, मतलब अगर मैग्मा बहुत मोटी और थोड़ी सी स्टिकी स्टिकी टाइप हुई, तो उसके अंदर की गर्मी की वजह से जो स्टीम पैदा होती है वो अच्छे से निकल नहीं पाती, तो फिर प्रेशर बिल्ड होता है, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर। प्रेशर बिल्ड होते रहता है, और जब वो और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता तब वो वॉल्केनो बहुत जोर से फटती है, सारा लावा हवा में उड़ जाती है और दूर दूर तक उड़ के चली जाती है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। जी हाँ, ऐसा बहुत सारे वॉल्केनोज में होता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोम्पाई वॉल्केनो, जो मिडिवल एजेस में फटा था और कई सारे लोगों की जान ले गया। वॉल्केनो एक ऐसी चीज है जो दुनिया के शुरुआत से थी और दुनिया के अंत तक रहेगी, चाहे कोई दूसरा डिजास्टर रहे या ना रहे। और दुनिया में ऐसे कई सारे वॉल्केनोज हैं जिसके फटने से पूरी दुनिया में इफेक्ट हो सकता है, और लाखों तो छोड़िए करोड़ों लोगों की जाने जा सकती है। ऐसा ही एक वॉल्केनो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बनाया है, यूएसए की येलोस्टोन वॉल्केनो। अगर आपको इस वॉल्केनो के बारे में ज्यादा जानना है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं इस पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज 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 नीचे जाके लाल बटन को दबा दीजिए और हमारे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को सपोर्ट करते हैं, और अगर आप भी नॉलेज को सपोर्ट करते हो तो प्लीज नीचे जाके लाल बटन दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले डिनोस के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।